वेलकम टू कुकिंग दिवास। कैसे हैं आप सब? इन दीज कोरोना टाइम्स वी ऑल आर स्टक इन होम एंड इफ यू फील लाइक ईटिंग चाइनीज व्हाट शुड वी डू। सो टुडे फ्रॉम कुकिंग दिवास वी ब्रिंग यू गोभी मंचूरियन। लेट्स स्टार्ट द प्रेपरेशंस फॉर इट। मंचूरियन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक फूल गोभी का लिया है, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, ये रेड चिली है, सॉल्ट है, 3/4 मैंने ये बाउल का साइज से मैदा लिया है और 1/4 सेम बाउल के साइज से कॉर्नफ्लावर लिया है। मैं आपको बाउल का साइज दिखा देती हूँ। ये मेरा बाउल का साइज है जिससे मैंने मेजरमेंट लिया है। ये मंचूरियन की ग्रेवी रेडी करने के लिए हमने आइटम्स लिए हैं। थोड़ा सा मैंने अनियन लिया है, चॉप्ड अनियन, थोड़ी सी कैप्सिकम ली है, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने गार्लिक लिया है, जिंजर लिया है, 2 ग्रीन चिलीज ली हैं और ये मैंने ग्रीन अनियन लिया है। इसके साथ हम इसमें सॉसेस मिक्स करेंगे, टमाटो सॉस, चिली सॉस, सोया सॉस और विनेगर। सबसे पहले हम गोभी को बॉईल कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 4 कप्स पानी रख दिया है और उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट मिक्स कर दिया। ये पानी बॉईल हो चुका है, अब मैं ये गोभी इसके अंदर डाल रही हूँ। हम इसे 2 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। अभी बॉईल हो चुकी है, हम इसको एक बाउल के अंदर छान लेते हैं। सब पानी डाल के गोभी को ठंडा कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे ये मैदा मिक्स करते हैं। कॉर्नफ्लावर, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा रेड चिली, थोड़ा सा ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट, इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर लेते हैं। हो गया, आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिए। अब हम इसके अंदर ये बॉइल्ड गोभी को मिक्स कर लेते हैं। हम गोभी को डीप फ्राई कर लेते हैं। हल्की हल्की फ्राई हो चुकी है, हमें इसे गोल्डन ब्राउन तक फ्राई करना है। अब यहाँ पे हम 3-4 टीस्पून ऑयल डालेंगे। अब यहाँ पे हम गार्लिक डालेंगे। थोड़ा सा जिंजर, ग्रीन चिलीज और इसे हम अब सॉटे कर लेंगे। अब अनियन मिक्स करेंगे। अब यहाँ हम थोड़े से ग्रीन अनियन मिक्स करेंगे। थोड़ी सी कैप्सिकम, टमाटो सॉस मिक्स करेंगे थोड़ा सा, 1 टीस्पून के करीब। के करीब हम यहाँ पे चिली सॉस मिक्स करेंगे। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा नमक मिक्स करेंगे, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, हमें यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, चाइनीज के अंदर हमें वेजिटेबल्स को बहुत ज्यादा कुक नहीं करना है। अब हम यहाँ पे 1 चम्मच विनेगर मिक्स करेंगे। 1 चम्मच के करीब हमने यहाँ पे सोया सॉस मिक्स की है। करीब मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसके अंदर मिक्स कर दूंगी। ये मैंने कॉर्नफ्लावर मिक्स कर दिया है यहाँ पे। थोड़ा सा मेरा ये
ग्रेवी थोड़ा सा इसके थिक हो जाएगी। यहाँ पे गोभी मिक्स कर देते हैं। ग्रीन अनियंस डालेंगे। अब हमारा मंचूरियन खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो। प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।